हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू कैंसल फ़ोन पे पेंडिंग ट्रांजैक्शन। तो फ़ोन पे में आपका यहाँ पे पेंडिंग ट्रांजैक्शन आपको शो कर रहा है, उसको कैंसल कैसे करना है यही इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सकूं। यहाँ पे सबसे पहले आपको जीमेल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्या लिखना है और कैसे लिखना है सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेम का कॉलम, उसमें आपको अपना पूरा नाम लिख देना है जो भी आपका नाम है। फिर यहाँ पे आपको स्पेस दे के लिखना है नंबर का कॉलम। नंबर के कॉलम में आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्पेस देंगे और लिखेंगे रिक्वेस्ट कॉलम। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ वही सेम टू सेम मेरा कॉपी करके लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लीज़ कैंसल माई फ़ोन पे पेंडिंग ट्रांजेक्शन एज सून एज पॉसिबल, और उसके आगे आपको लिखना है स्पेस दे के नीचे थैंक्स एंड वॉर्म रिगार्ड्स, ये लिख देना है। फिर आपको ऊपर लिखना है सब्जेक्ट के कॉलम में उसी से रिलेटेड फ़ोन पे पेंडिंग ट्रांजेक्शन कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, ये लिखेंगे। और सबसे लास्ट में आप फ़ोन पे की ईमेल आईडी डाल सकते हैं, वो आपको उसके एप्लीकेशन से मिल जाएगी। वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे और उसके बाद आपको अपना ईमेल अच्छे से चेक करना है। जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए और उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पूरा ईमेल जब आप अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं, चेक करने के बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल सेंड कर देंगे। सेंड करने के कुछ देर के बाद आपको यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और यहाँ पे आपका जो फ़ोन पे पेंडिंग ट्रांजैक्शन है अगर वो विद इन 24 आवर्स के अंदर सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो पेंडिंग शो नहीं होएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको पेंडिंग का इशू भी ख़त्म हो जाता है। तो ये है पहला ऑप्शन जहाँ पे आप ईमेल के थ्रू रिक्वेस्ट करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। यहाँ पे आपको डायरेक्टली फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करना है, वहाँ कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं। वहाँ कस्टमर केयर से बात करके भी आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं और यहाँ पे अपना पेंडिंग ट्रांजैक्शन कैंसिल करवा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपको बता दिया है, दोनों में से कोई ऑप्शन आप यहाँ पे ट्राई करके अपनी इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके बाय।